बिल्कुल पैदल यात्रा की है, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर सजा हुआ है एंड यस मेरा पहली बार मैं आई हूँ। रीवा के हैं, यहाँ जबलपुर में दर्शन करने आए हैं। अच्छा, सिर्फ माई नर्मदा के दर्शन के लिए? नर्मदा के को दर्शन करने आए, बहुत मन था देखने ये महाआरती का वो करने का अवसर मिला। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीन यहाँ का देख के, सब चीजें नजारे बहुत अच्छे हैं। अरे सब कुछ हुआ, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। जी हमको ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इतना जानकारी है कि नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती है और बहती है, बस इतना जानकारी है। 14 डिस्ट्रिक्ट से जाती है एमपी के। मैं हूं पवन, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्मदा ग्वारी घाट जबलपुर में और मेरे पीछे ये जो माहौल आप देख पा रहे हैं माँ नर्मदा प्रगटोत्सव के उत्सव पर आयोजित महाआरती के दृश्य के लिए, महाआरती के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महाआरती होने वाली है कुछ ही देर में। यहाँ भक्तों से हम बातचीत करेंगे और माँ नर्मदा के बारे में और इस पावन पर्व के बारे में, महाआरती के बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मंझौली। क्या नाम है आपका? सुरेश ठाकुर। आज महाआरती होने वाली है, ये पिछले 11 वर्षों से चल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा कह महसूस करना चाहता हूँ कि वास्तव में जो आस्था है हिंदू प्रति की, जो सब गौरव, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है माई के घाट में? बहुत बढ़िया। जबलपुर से ही? मझौली जी। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? गड़ा फूल सागर से। सागर से आए हुए हैं? गड़ा फूल सागर। अच्छा। से साई नागा जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ घाट पर आकर के? अच्छा लग रहा है। आज तो काफी लोग आए हुए हैं, अध्यात्म का पूरा माहौल है और इस माहौल में शांति भी मिल रही है, भक्ति भी मिल रही है, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो बहुत बड़ा त्योहार है। और ये त्योहार तो है ही जबलपुर वासियों के लिए, माई नर्मदा को पूजने वालों के लिए, तो देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या प्रार्थना करना चाहेंगी माता से? कि माता सबको आशीर्वाद दें और सबकी रक्षा करें। आज हम देख पा रहे हैं चारों तरफ लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आरती भी, महाआरती यहाँ पर होने वाली है, ये सब देख करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रीवा के हैं, यहाँ जबलपुर में दर्शन करने आए हैं। अच्छा, सिर्फ माई नर्मदा के दर्शन के लिए? नर्मदा के को दर्शन करने आए, बहुत मन था देखने का ये महाआरती का वो करने का अवसर मिला। पूरे परिवार सहित आई? मैं, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। अच्छा, ये पूरी फैमिली वहाँ से यहाँ तक बैठी है, यहाँ से पूरी फैमिली। तो कैसा यहाँ पर जैसे आए थे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, आज बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीन यहाँ का देख के, सब चीजें नजारे बहुत अच्छे हैं। हजारों के नहीं, तो लाखों की तादाद में भी आएंगे तो कम रहेगा जी। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से? बहुत अच्छी, जितना मैनेज कर रहे हैं पुलिस वाले बहुत अच्छा है। उनको भी, सब जनता को भी मैनेज करना चाहिए कि जितना अच्छा पुलिस वाले कर रहे हैं उनके साथ हम लोग भी मैनेज करें, तभी ये माहौल अच्छा बन पाएगा। स्नान ध्यान भी हुआ आप लोगों का यहाँ पर? अरे सब कुछ हुआ, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। माई की गोद में, माई की कृपा किस तरीके से जो तो फलीभूत हो रही है। तो भैया पूरे लड़का बच्चों पत्नी सहित आए। अच्छा, ये पूरी फैमिली, पूरी फैमिली है, बड़ा आनंद आया। माई के दरबार में आप आई हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी माई से, क्या प्रार्थना लेकर के आई हैं? हम तो सुख समृद्धि की प्रार्थना लेकर आए हैं, हमको हमेशा सुख रखें, खुशी रखें। चलिए, हमारी नर्मदा मैया, हम सागर से आए हैं। अच्छा, माँ के दर्शन के लिए सागर से आए जी। तो जो माँ नर्मदा हैं, इनसे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं रही, कई लोक कथाएं रही हैं, क्या उनके बारे में भी आपको जानकारी? जी हमको ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इतना जानकारी है कि नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती है और बहती है, बस इतना जानकारी है। 14 डिस्ट्रिक्ट से जाती है एमपी के, बस यही इतना ही पता है। काफी बड़ी नदी है। हाँ, काफी बड़ी नदी है, एमपी की लार्जेस्ट है जी। और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज के साथ, सामान्य ज्ञान के साथ, हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, इसीलिए आए हैं आप जी। तो कैसा, बहुत क्या अनुभव रहे यहाँ के? मैं बिल्कुल पैदल यात्रा की है, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर सजा हुआ है एंड यस मेरा पहली बार मैं आई हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? तो यहाँ नर्मदा माई के यहाँ आए हैं, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। सागर
से आए हैं, सारे लोग सागर से आए हैं, जबलपुर से बुआ सागर सागर से आए, नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हो, इतना अच्छा लग रहा है। माता रानी के मंदिर में यही सोच के आए कि कैसे जगह माता रानी ने दी और हम लोग आए। आप लोगों को तो माई के दर्शन प्राप्त होते रहते होंगे, लेकिन आप दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए देखने के, दर्शन ही करने माँ के आए थे, बहुत अच्छे हो गया। नर्मदा मैया तो वैसे पतित पावनी है, वैसे जो भी उधर आता तो धन्य ही हो जाता है। और प्रदेश वासियों के लिए क्या दुआ करना चाहती हैं? बस यही करेंगे, माता नर्मदा सबकी रक्षा करे, सबका अपने अपना हाथ सबके सर पे रखे। ये कुछ लोग थे जिन लोगों ने हमसे इस अनुभवों को साझा करने की कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा की कृपा देशवासियों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद।